नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको सुख दुख नाम की भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। एक समय की बात है, एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसे ही और अधिक दुख प्राप्त होता है और जो सुख में है उसे दुख नहीं प्राप्त होता। तब भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माँ पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने मनुष्य रूप धारण करके एक पति और पत्नी का रूप ले लिया और एक गांव के पास डेरा जमा कर रहने लगे। शाम के समय उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा, इसलिए मैं भोजन सामग्री का प्रबंध करता हूँ, तुम भोजन बनाओ। उनके जाते ही माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जज्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। तब माँ पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए ये ईंटें कहाँ से लेकर आई हो। तब माता पार्वती ने कहा, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकालकर ले आई हूँ। तब भगवान शिव ने फिर कहा कि जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया, तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। तब माँ पार्वती ने कहा, प्रभु उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव अच्छी तरह से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना मैंने उचित नहीं समझा। तब भगवान शिव बोले, पार्वती यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है, इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे इतने सुदृढ़ और सुंदर भवन का निर्माण हो सके, कोई उसकी एक ईंट भी निकालने न पाए। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।